जनपद मथुरा के मगोर्रा क्षेत्र के नगला अम्बुआ में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन पहलवान लवकेश द्वारा कराया गया, जिसमें 3 मुख्य इनाम दिए गए। यहां दर्जनों सांत्वना पुरस्कार दिए गए। दंगल की शुरुआत पर जनपद भर के राजनीतिक लोगों का जमावड़ा रहा। इस दंगल में करीब 300 पहलवानों ने भाग लिया। आयोजक मंडल द्वारा रालोद के वरिष्ठ नेता कुमार नरेंद्र सिंह, बसपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजकुमार रावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी तथा गाँव के गणमान्य लोग और आसपास के प्रतिष्ठित लोगों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही दंगल की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार सुभाष सैनी, शिवशंकर शर्मा, दीपक सारस्वत, बीएल पांडे और गौरव शर्मा का स्वागत किया गया। ये ब्रिज में बलदाऊ जब से हुए तब से इस मल्ल विद्या का केंद्र स्थापित हुआ और आज हमारे जनपद में बड़े अच्छे अच्छे पहलवान और ब्रिज में ही नहीं हमारे ब्रिज मंडल में हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जवानों में इस बात का बड़ा उत्साह रहता है कि हम ब्रिज की कला को जीवित रखें। तो मैं आज आयोजक मंडल को अपनी ओर से, पंडित उमेश पंडित जी की ओर से, मैं इनका आभार हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हम सब लोग इस कला को, इस मल्ल विद्या कला को जीवित रखें, ये हम ब्रिजवासियों का संकल्प होना चाहिए। यहाँ पर कुश्ती का स्टेडियम भी बनना चाहिए। मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं कि कुश्ती के स्टेडियम की यहां पर आवश्यकता है, क्योंकि ब्रिज की क्या है, लेकिन किसी भी जनप मुझे तो खैर जनप्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस एक ब्रिज कला में यहां पर आकर एक मल्ल विद्या का स्टेडियम बना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।